नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। अरुणाचल प्रदेश में अपने 6 विधायकों के भाजपा में शामिल होने के बाद से जनता दल यूनाइटेड काफी नाराज चल रही है। जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने भाजपा को नसीहत देते हुए कहा कि यह गठबंधन धर्म का पालन नहीं है। इसके अलावा त्यागी ने बीजेपी शासित राज्यों में लव जिहाद कानून लागू करने को भी गलत ठहराया। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इशारों में बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें पद की कोई चाहत नहीं है, ना तो उन्होंने कभी सिद्धांतों से समझौता किया है और ना ही आगे करेंगे। पटना में आयोजित जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि चुनाव के बाद ही मैंने कह दिया था कि मुझे मुख्यमंत्री बनने की कोई लालसा नहीं है। जनता ने चुनाव में अपना फैसला दे दिया है, इसलिए उन्हें किसी के मुख्यमंत्री बनने से कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वह फिर बीजेपी का ही क्यों ना हो। अपने सहयोगी भाजपा के खिलाफ नीतीश कुमार की यह नाराजगी विधानसभा चुनावों के बाद पहली बार सामने आई है। अरुणाचल प्रदेश की घटना पर राजद नेता तेज प्रताप यादव ने बयान देते हुए कहा कि जेडीयू में फूट शुरू हो चुकी है और जल्द ही इनका बिहार में सफाया होगा। विधायक तोड़ने के मुद्दे पर जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि वह अरुणाचल प्रदेश की यह खबर सुनकर स्तब्ध रह गए। त्यागी ने कहा कि अरुणाचल में भाजपा की सरकार को कोई खतरा नहीं था, इसलिए भाजपा ने ऐसा करके गठबंधन धर्म का उल्लंघन किया है। जेडीयू ने इस मसले पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से बातचीत की है। जेडीयू ने कहा कि उनके विधायकों को अरुणाचल के मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात कही गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी में ही शामिल कर लिया। इसको लेकर जेडीयू अपनी नाराजगी व्यक्त करता है। साथ ही केसी त्यागी ने भाजपा सरकार द्वारा अलग अलग राज्यों में लव जिहाद कानून बनाए जाने के मुद्दों पर भी कहा कि ऐसे कानून समाज में नफरत और विभाजन पैदा करते हैं। पटना में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह को चुना गया है। अब वह पार्टी में नीतीश कुमार के भी बॉस बन गए हैं। जब आरसीपी सिंह पहली बार नीतीश कुमार से मिले थे, तब नीतीश कुमार उनके बॉस हुआ करते थे। नीतीश कुमार रेल मंत्री थे और आरसीपी सिंह उनके निजी सचिव। जब 2005 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो आरसीपी सिंह को प्रमुख सचिव भी बनाया था। नीतीश के रेल मंत्री के दिनों से ही दोनों का साथ बना रहा। आरसीपी सिंह को जदयू में लगभग एक दशक हो गया है। अध्यक्ष चुने जाने के बाद आरसीपी सिंह ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि जनता दल यूनाइटेड कभी किसी को धोखा नहीं देती, ना ही किसी के खिलाफ साजिश रचती है। आपको बता दें कि आरसीपी सिंह कभी जमीनी नेता नहीं रहे, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबियों में से एक माना जाता है। उन्होंने 2010 में स्वैच्छिक रिटायरमेंट ले लिया था। उन्हें राज्यसभा के लिए नामित कर दिया गया। 2016 में भी पार्टी ने उन्हें फिर राज्यसभा भेजा। नीतीश कुमार के करीबी रहने के कारण जदयू में लगातार उनकी तरक्की होती रही। तो आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।